तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। अब काम शुरू करेंगे। बहुत दिनों से क्या मैंने वीड्स वगैरह भी नहीं निकाले। अब मैं निकालूंगी वीड्स वगैरह जो गमले में उग जाती है, जंगली घास, जंगली पौधे, और ये पौधों की ये प्रूनिंग करना। ये देखो इस तरीके से बहुत दिनों से नहीं किया है, मगर टाइम मिलेगा कब, सैटरडे संडे को जब क्लासेस नहीं होगी ना तब करूँगी ये सारे काम। बहुत सारा ये भी काम पेंडिंग है, और थोड़ा गार्डन साफ भी करना है। बहुत ज़्यादा मतलब पीले पत्ते हो रहे हैं, ये सब कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है। वीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा उग गए, वो भी काम मुझे करना है। और अभी क्या करूँगी वो आपके साथ में कर रही हूँ शेयर। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपको पता है कि क्या करना है, तो शुरू करते हैं। अभी जब मैं आपको गार्डन का ओवरव्यू दूंगी ना, ये बिल्कुल मुरझाए मुरझाए होंगे, मतलब ऐसे। और इसके बाद मैं जब पानी दूंगी तो अच्छे हो जाएंगे, मगर मैं बात का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, बिकॉज क्या होता है फिर अंधेरा हो जाता है, इसलिए मुझे पहले का शेयर करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, इसके बाद जब मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। और वो लेट डालती हूँ ना, ऑलमोस्ट 8 बज जाती है, 8 बजे 8:30 हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए बाद में बात का आपके साथ ओवरव्यू शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे पहले करना पड़ता है। और कंडीशन ऐसी रहती है, ये पौधे सारे सूख जाते हैं। सुबह भी पानी डाल रही हूँ मैं, और शाम को भी, दोनों टाइम। और ये कहना तो भूल ही गए, वीडियो पसंद आएगी तो आपको पता है कि क्या करना है, तो शुरू करते हैं। तो देखो फटाफट से आपको टेरेस गार्डन का ओवरव्यू देते हैं। ये देखो, अब टिकोम आप देखो कैसा सूख गया, दिख रहा है आपको, इस तरीके से बिल्कुल मुरझा गया। देखो इसकी पत्तियाँ किस तरीके से हो गई है। और फ्रेश टिकोम ऐसा रहता है, इसमें है पानी, इस वाले में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ये मुरझा गया। तो इस तरीके से शाम होते होते सारे पौधों की कंडीशन ऐसी रहती है। देखो ये सारे मेरे हैं, ये देखो अर्डीनियम वगैरह, अर्डीनियम को भी मैं दोनों टाइम पानी दे रही हूँ, क्योंकि फुल धूप में रहते हैं, यहाँ बिल्कुल धूप में। शेड है, मगर शेड अंदर की तरफ है और धूप इस तरफ आती है। ये देखो इस तरफ, देखो उसमें एम्ब्रेस लिली में हमारा फूल खिल गया है, पीच कलर का खिला है, वो कल पूरा खिल जाएगा, आपको बताऊँगी। इस तरीके से ये गुलाब वगैरह की सबकी प्रूनिंग करनी है, बहुत ही अजीब सी कंडीशन होकर रखी है। देखो तेज़ धूप में पौधे बर्न भी होने लगे, कुछ मेरे ये टिकोमा के बर्न होने लगे, बाकी तो ये अच्छे से चल रहे हैं। ये देखो दूर से आपको ओवरव्यू शेयर करूँ, ये कुछ इस तरीके से लुक देता है, और पौधे कैसे सूख गए हैं बिल्कुल। अब इनको शावर वगैरह करूँगी ना, ये बहुत अच्छे से रहेंगे। देखो इसमें कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं, देखो कलर देखो किसका, जैसे कोई रोज़ का कलर होता है ना वैसे। देखो इसमें शेड एकदम लाइट है, और इस कनेर में एकदम डार्क है, धूप में शायद ये लाइट हो गया यार, बाकी तो उसका कलर अच्छा सा डार्क कलर रहता है, तो कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरीके से हो जाते हैं हमारे कनेर के प्लांट, बड़े बड़े उसमें हैं। अब देखो इस तरीके से हमारे यहाँ ये हो जाते हैं इस तरीके से, और देखो चंपा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी, हाँ उसमें देखो चंपा में फूल खिलने लगे। देखो आपको मैं अंदर से दिखा रही हूँ, आपको इसलिए ऐसे देख लो, इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। और आज जिस पौधे के बारे में एकदम मैं डिटेल में वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं वापस लेट जाती हूँ। तो इस तरीके से आपको पौधे दिखा रही हूँ, ये हो जाता है ये वाला पार्ट हमारा, वो वाला जाता है धूप वाला, ये इधर हो जाता है, ये कुछ मेरे बॉन्साई, ये सब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे आता नहीं है, मगर धीरे 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 मैं भी वीडियोस वगैरह देख के बनाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, तो और वो सारा टचवुड सक्सेसफुल भी हो जाता है। देखो तीन मैंने बॉन्साई बनाए हैं, और दो टोपियारीज बनाई हैं। देखो इस तरीके से बिल्कुल ये लगी होगा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल मुरझाएगा, पानी देते एकदम खिल जाएंगे। ये देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, और हवा बहुत तेज की है ना, गर्म गर्म हवा चल रही है। दो टोपियारीज बनाने की कोशिश की थी इसकी, अब इसकी पिंचिंग भी करनी है मुझे, इसकी करनी है, यहाँ ये बोगनविलिया की करनी है। देखो ये मेरे डीआईवाई, अभी मतलब आराम से पानी वानी नहीं देती हूँ, कहीं कुछ नहीं जाते हैं, टिके रहते हैं। और भी मेरे डीआईवाई हैं, ये देखो ये सब हैं, ये मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर की थी ना, ये देखो सब रखे हैं, ये देखो। और इस तरीके से ये वाला, इस वाले पार्ट में थोड़ा बहुत पानी रहता है, नमी बनी रहती है पौधे में, आपको दिखाऊँ कैसे। ये देखो ये गीला है, ये भी नहीं, ये सूख गया, ये वाले सारे सूख जाते हैं, बिकॉज वहाँ धूप आती तेज की, और इनमें भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, और बहुत हमें सूख जाता है। तो इस तरीके से, और यहाँ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है, मनी प्लांट और ये सब रखा है, इधर मेरा सारा गार्डन का काम का सामान रखा रहता है। ये देखो इस तरीके से ये सारे, गर्मी में क्या पौधे एकदम क्लस्टर में रखने चाहिए। ये देखो कितने अच्छे से मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, इसको भी ऊपर, मनी प्लांट का भी मुझे कुछ अलग से लुक क्रिएट करना है। इस बार क्या करूँगी, सैटरडे संडे की छुट्टी होगी ना, तब काम करना है मुझे ये सारे। ये देखो इसमें वाइट रोज कितने प्यारे खिल रहे हैं। तो देखो ये मैं बाहर आई हूँ, बाहर से आपको लुक बता रही हूँ, हमेशा अंदर अंदर से बताती हूँ, अंदर से इस बार बाहर से भी आपको लुक बता देते हैं। ये देखो मोगरा में ब्लूमिंग, देखो हर मोगरा में मेरे इतने सारे ब्लूमिंग हो रही है, हर मोगरा में, अंदर वाले में, बाहर वाले में, इधर वाले में, उधर वाले में, सब में देखो फूल ही फूल भरे हुए हैं। ये देखो ये बेल वाला मोगरा है, इसमें से भी स्पेंड हुए फ्लावर मुझे निकालना है, कुछ की कटिंग करनी है, वो सब बाकी है। देखो इसमें एक दो दिन में वो नहीं निकालते ना, मिलीबग फैल जाते हैं, इसलिए मैं इसके टिप्स काटती रहती हूँ। ये काम भी मुझे करना है, नहीं तो क्या पूरे उसमें फैल जाएंगे। ये देखो इस तरीके से मैं तो ये क्या हटा ही देती हूँ इनको, इस तरीके से ये न्यू बर्ड न्यू शूट पे ही आते हैं, मिली बगे वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको।
हटाओ ना पूरे पे फैल जाएंगे। हाँ मैं आपको क्या दिखा रही थी आपको, हाँ मधुमालती, देखो वो, ये देखो जो बाहर रहते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं, मधुमालती नहीं आप रह जाता कि फूल भी छोटे छोटे हो रहे हैं, इतनी तेज की धूप पड़ रही है बिल्कुल फूल छोटे छोटे से साइज़ के खिल रहे हैं। इसमें चंपा में फूल देखो अब ब्लूमिंग पे आएंगे, खिलेंगे अभी। तो ये वाला चंपा कटिंग के थ्रू लगा हुआ है छोटे से उसमें कंटेनर में, आपको दिखाऊं, देखो चंपा धूप झेल लेता है मगर यहाँ इतनी तेज़ धूप आ रही है धूप भी नहीं झेल पा रहा बेचारा, जल गया है। और इसका ये देखो, ये क्या बोलते हैं इसका, ये इस टाइम कितना मोटा है और ये छोटे से उसमें लगा हुआ तेल के कंटेनर में, और ये भी मेरा कटिंग के थ्रू लगा हुआ था, अब इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई। और इधर आ जाएं तो ये चंपा है, ये भी मेरा कटिंग के थ्रू, जितने भी चंपा है ना सारे कटिंग के थ्रू लगे हुए हैं। अभी मैंने कुछ कटिंग आपके साथ शेयर भी की थी, देखो उसमें कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं, फूल खिल भी रहे हैं ख़राब भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हो ना ये सब निकाल देने चाहिए, ये जो बेकार फूल हो गए ना, अभी इसके फ्लावर आने एकदम लगे लगे हो गए, पानी नहीं दिया ना तो एकदम ब्राइट नहीं है। देखो इसके इसका स्टॉक एकदम सीधा है और इसमें इस तरीके से जो ख़राब फ्लावर हो ना वो सारे निकाल देने चाहिए, नहीं तो ये एनर्जी लेते। तो ये चंपा मैंने, ये भी आपके साथ में वीडियो शेयर किया था पहले, किस एक प्लांटर में था उसमें टूट गया था फिर इसमें ग्रो किया। तो जितने भी चंपा है ना, चंपा का ये सीज़न है, ये विंटर में एकदम वो जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब पत्तियां ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, इसका ही स्टेम स्टेम बढ़ता है बचता है। ये देखो और ये फुल धूप में रखे हुए हैं, फ्लावरिंग देखो कितनी प्यारी आ रही है। अभी ये इस तरीके से ये निकाल दूँगी, इस तरीके से ये सारे निकाल दो, नहीं तो क्या ये दूसरे जो ग्रो करते हैं ना उसको ये एनर्जी लेते हैं फिर दूसरे इतने ईजीली ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी इसके लिए लगनी चाहिए वो प्लांट इसके लिए देता है। इस तरीके से आपके इस सारे फूल वगैरह ही जितने भी है ना इस स्टॉक में से निकाल देने चाहिए, जो ऐसे वेस्ट हो, फिर नए नए खिलते हैं। देखो इस तरीके से, तो दूर से दिखाऊँ आपको मेरा टेरेस गार्डन तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखो इतने सारे प्लांट्स हैं, ये देखो ऐसे यहाँ इधर, ये इधर 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 जाएँ तो इधर, और ये अंदर से कुछ ऐसा ये सारे प्लांट मेरे। ठीक है अब मैं वीडियो बना लूँ, नहीं तो मैं लेट जाऊँगी, मेरे को पौधों को पानी भी देना है। आज चंपा प्लांट के बारे में बात करूँगी और चंपा प्लांट कटिंग के थ्रू कैसे क्या लगता है वो भी आपको बताएंगे। ये देखो ये सारा हो गया, कितना अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, ये मैंने छोटे छोटे प्लांटों में रखा है, बाकी इसको बड़े में रखना चाहिए। मैं क्या इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ, प्रूनिंग करते हैं ना तो उसमें इससे नई नई स्टेम्स निकलती है, आपको दिखाती हूँ अभी कहीं की होगी मैंने। और इस तरीके से फूल मेरे पास सारे ही कलर के हैं, और अभी मेरे पास रेड वेलवेट वाला और रेड वेलवेट वाला नॉर्मल रेड रेड और पिंक कलर का शेड आता है कुछ इस तरीके का वो है, और इसके अलावा एक मेरा ये वाला जिसमें पिंक येलो और ये सारे शेड आ रहे हैं, देखो इस तरीके से ये वाला। और ये प्लांट क्या कटिंग के थ्रू बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है मगर हो जाता है। ये है समर का प्लांट, इसको समर में ग्रो किया जाता है, समर में आप इसकी कटिंग ला के लगाओ। मैं लाई थी गार्डन से कटिंग वगैरह, तो आज ये कटिंग देखो कितनी काफ़ी साल हो गए यार, दो साल तो हो गए होंगे, हाँ दूसरा तीसरा साल चल रहा होगा आई थिंक सो। जितने भी आपको कटिंग दिख रही है ना सारी एक साथ पहले मैंने ग्रो कर दी थी, फिर इनको अलग अलग जैसे जैसे ग्रोथ करते रहे ना, स्टार्टिंग में तो ये छोटे उसमें थे और जैसे जैसे ये ग्रोथ करते रहे मैंने बड़े में शिफ्ट करती रही। तो ये वाला चंपा तो देखो काफ़ी बड़े में, ये हमको चंपा दिख रहा ना ये वाला आपको दिखाऊँ, ये देखो अंदर से इस तरीके से ये तो काफ़ी बड़े में, और देखो क्या मस्त हो गया बड़ा ऐसे, ये यहाँ फैल गया है, और ये वाला भी और अंदर भी है मेरे चंपा, आपको दिखाती हूँ अंदर चलते हैं। अब के अंदर रखे हुए चंपा ना तो ये बर्न नहीं हो रहे ज़्यादा, ये देखो ये सही है अंदर वाले चंपा, बाहर वाले थोड़े से बर्न होने लगे हैं मगर इतने नहीं होते। देखो इसमें भी न्यू स्टॉक निकलने लगा, यहाँ से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें स्टार्ट, और अब चंपा मैंने उसके थ्रू ग्रो किए हैं, अब चंपा जो मैंने कटिंग के थ्रू लगाए उनसे मिलाते हैं आपको। तो ये देखो ये वो चंपा है जो मैंने कटिंग के थ्रू लगाए थे, इसमें से देखो इस तरीके से वीड्स वगैरह हो जाए ना ये आपको निकाल देने चाहिए, ये वीड्स ये देखो ऐसे, ये मेरे सारे ही प्लांटर में हो रही है, हटाना है मुझे सारा, और वो पूरा एक दो दिन लगेंगे इतने सारे प्लांटर्स में हटाना करना भारी काम है। तो देखो शूट्स किस किस में आ रही है आपको दिखाऊं, इसमें आ गई ये शूट्स, ये दिख रहा है आपको नहीं, इसमें दो मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये है नॉर्मल रेड चंपा की जो देसी वाला होता है ना ये उसकी है, चल पड़ी ये भी, इसको शायद हो गए होंगे 20-25 दिन हो गए ऑलमोस्ट इसको। और देखो ये भी समर में ग्रो की थी ये वाली कटिंग्स, ये वाली देखो ये भी चल पड़ी है, ये नॉर्मल छोटे छोटे से मेरे डीआई प्लांटर्स में ग्रो किए, देखो इसमें और नई नई शूट्स आ रही है आपको दिख रहा है ये, और ये यहाँ से भी, तो ये दोनों भी चारों कटिंग मेरी सक्सेसफुली चल गई है, कटिंग्स आपको दिख रही होगी और भी छोटी छोटी सी शूट्स आ रही है अगर आप पास से देखोगे ना। ये देखो अब ये वाला है मेरा वेलवेट वाला जो एकदम वेलवेट कलर का है ना, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी ना, हाइब्रिड होते हैं ये, और ये तो नॉन हाइब्रिड है रेड वाले, ये हाइब्रिड होते हैं और इसमें एकदम रेड कलर का फ्लावर खिलता है जैसे ऐसा लग रहा है वेलवेट का हो बिल्कुल, तो वो खिलता है इसमें। और दिखाऊँ आपको, और इसकी कटिंग भी चल पड़ी है, ये देखो इसमें कोई शूट नहीं आया है अभी तक मगर चल जाएगी,
अच्छी कटिंग हो रखी है इसकी, अगर नहीं चलती होती तो मेरे को पता चल जाता है ये सिकुड़ जाती बिल्कुल। तो ये कटिंग अच्छे से ग्रो कर गई है, मगर अब इसमें से मैंने ये कटिंग ली थी, ये नर्सरी से लाई थी ना, इसमें से मैंने कटिंग ली थी। हाँ स्टार्ट हो गया इसमें से भी आना, ये देखो इधर मेरे को लगा स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। इसकी कटिंग मैंने ली थी, आपको दिखाऊँ अगर मैं, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इसमें स्टार्ट, बहुत छोटू सा है, बहुत छोटू सा, देखो ब्लर आ गया इधर, आपको दो डॉट्स दिख रहे होंगे इधर इधर इधर, देखोगे ना दो डॉट्स इस तरीके से। तो अब इसमें भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें से कटिंग लेके मैंने दो उसमें ग्रो की। ऑलमोस्ट चंपा की सारी कटिंग मेरी 100% चल गई है, सारी ही चल गई हैं, ये भी चल गई है, मुझे लगा था ये नहीं चल रही है। अब इसका आज कुछ मुझे काम करना है, इसको रिपोर्ट करना है। तो चंपा कटिंग के थ्रू कैसे लगता है इसकी, तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी, देख लेना आप मेरे चैनल पर जाके, ठीक है। अब मुझे क्या उसको डिस्क्रिप्शन पर अलग से लगाना नहीं आता कि कैसे क्या लगाते हैं, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी चंपा की कटिंग के थ्रू, जैसे आपको कहीं दिख जाए चंपा के प्लांट्स होते हैं गार्डन वार्डन में होते हैं, तो गार्डन में एक कटिंग लिया और उससे बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं उस तरह। और चंपा के प्लांट ऐसे कहते हैं कि ये बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप इसकी डे बाय डे प्रूनिंग करते रहोगे ना, दिखाती हूँ आपको एक बार, इसकी आप प्रूनिंग करते रहोगे तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। देखो ये मेरे तो इसमें है, ये इसमें ऐसे वाले जो बड़े वो होते हैं ना डिब्बे नहीं रहे यार प्लांटर्स, उसमें हैं। और मैं क्या इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, प्रूनिंग करने से ये बुशी होते रहते हैं, ये देखो इस तरीके से। देखो यहाँ से प्रूनिंग की थी तो इसकी तीन स्टेम्स निकल गई, फिर यहाँ से मैंने इसको प्रून कर दिया था तो इसकी तीन स्टेम्स निकल गई, फिर और यहाँ से देखो ये बीच में से प्रून किया था, आपको दिख रहा है ये बीच में से यहाँ से कटिंग कर दी थी इसकी, तो दो स्टेम्स निकल गई। इससे क्या होता है इसकी हाइट बढ़ती नहीं है और ये छोटा सा ही रह जाता है, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से। तो ज़्यादा आप प्लांटर में इसकी हाइट छोटी रखा करो, और अगर आप इसको कहीं ज़मीन वगैरह में लगाओगे तो अच्छा बढ़िया पेड़ बन जाता है, मगर प्लांटर में हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। और ये मेरा टेरेस गार्डन पे रहता है और ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स, इसलिए मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं इसको जस्ट इसकी हाइट इतनी ही रहती है, इससे ज़्यादा मैं बढ़ाती नहीं हूँ। देखो ये बाहर वाली की भी हाइट इतनी ही रहती है, सीज़न में चंपा की हाइट इतनी रह गई ना, तो नेक्स्ट सीज़न में मैं फिर नेक्स्ट सीज़न में जब गर्मी स्टार्ट होने वाली होगी ना और विंटर ख़त्म होगा तब मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, तब इसकी हाइट और कम रह जाएगी। तो इस तरीके से बार बार सीज़न जब एंड होने वाला होता है ना तब इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अब आज हम रिपोर्ट करेंगे ये वाला, तो देखो आज मेरे को पता है इसको पेंट करने की इच्छा थी, मगर टाइम का इशू होने के कारण कुछ नहीं कर पाती हूँ यार मैं। और मेरे कुछ कुछ वो है प्लांटर्स डी आई वाई, वो मैं लाई हूँ, अब उसमें भी पौधे वौधे कैसे क्या लगाएंगे, फेरी टेल गार्डन या कुछ कुछ बनाएंगे। अभी तो लाके मैंने रख दिया है यहाँ नीचे इस तरीके से, इनका भी कुछ कुछ करना है, मगर ये नीचे ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा जब तक ऊपर नहीं आएंगे इनका कुछ काम नहीं होगा, तो इनसे भी कुछ कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश मैं करूँगी। तो चलो ठीक है ये रख देते हैं अंदर, अभी मैंने सारे अंदर रख दिया, बाद में करेंगे इसका काम। इसका काम करते हैं, इसका होल तो मैंने बड़ा कर लिया था, देखो काफ़ी बड़ा होल है इसमें भी, ये इस तरीके से देखो आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा होल है। और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है वो आपको बता देती हूँ मैं काम करते करते। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल को कवर करना होता है, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ ऐसे रख दिया, देखो ये वाला पार्ट है ना मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब इसकी मिट्टी है ना बिल्कुल वो होनी चाहिए पोरस, क्योंकि एक तरह से आप कह लो कि ये सक्यूलेंट है, इसकी स्टेम में पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, इसलिए बताऊँ इसको बहुत दिनों में पानी देना था। गर्मी में तो खैर मैं रोज़ ही पानी देती हूँ क्योंकि ये टेरेस पे है, अगर नीचे हो या ज़मीन में हो ना तो दो दो तीन तीन दिन तक पानी नहीं दो चलेगा, मगर ये टेरेस पे भरी धूप में, और सबसे मेले प्लांटर में रह रहे हैं ना ये गमलों में उग रखे ना, इसलिए मुझे रोज़ पानी देना होता है। इसकी स्टेम्स बहुत मोटी होती है, देखो बहुत मोटी, तो दिखाऊँ ये इतनी मोटी मोटी है, तो इसमें ऐसा कहता है कि पानी स्टोर रहता है, तो इसको तीन चार दिन तक पानी नहीं दो ना तो भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं, मगर मैं तो फ्लावरिंग आ रही है ना इनमें इसलिए मैं रोज़ पानी दे रही हूँ। अब पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ उसका, तो देखो पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें सॉइल बिल्कुल नहीं लूँगी, सॉइल सारी इसमें है इसलिए मैं सॉइल बिल्कुल नहीं लूँगी, सॉइल इतनी सफिशेंट है इसके लिए। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या आपको बताऊँ, इसमें आप मान लो इतने से पार्ट का बता रही हूँ, इतने से पार्ट का रेशो पॉटिंग मिक्स में क्या है, इसमें है अपना वो क्या बोलते हैं कोकोपीट, कोकोपीट के बाद वर्मी कंपोस्ट। आप कोकोपीट इसमें मान लो 15% इसमें कोकोपीट होगी, तो 15% इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और बाकी बचा इसमें 30% अपना हो गया ये वो क्या काउडंग केक, ये सारा इस तरीके से मिक्सचर है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा किचन वेस्ट, तो देखो इस तरीके से मैं बोल रही थी ना मेरे पास किचन वेस्ट नहीं है, अभी जाके देखा तो रखा हुआ था, किचन वेस्ट नहीं सॉरी यार गार्डन वेस्ट। अब गार्डन वेस्ट को मैं जस्ट ऐसे नीचे नीचे भर दूँगी ऐसे यहाँ नीचे, तो इस तरीके से हम गार्डन में का जो हमारा कचरा वचरा निकलता है ना वो डाल देते हैं ना, वो सबसे बेस्ट रहता है। ऐसे नीचे में लेयर जमा देती हूँ, इससे क्या होता है कंपोस्ट बनता रहता है और पौधा भी इससे अच्छा रहता है।
ने ना मिट्टी सौगी होगी ना, तो ये क्या सौगी का मतलब ये होता है मिट्टी जमनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता। अगर इसकी मिट्टी अच्छी होती ना तो ये बहुत जल्दी, जैसे आप देख रहे हो ना इसकी कटिंग मेरे वाले इसमें कितने अच्छे से ग्रो कर गई है, इसमें क्यों नहीं ग्रो कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें सिर्फ ये रिवर्स गार्डन सॉइल है। तो इस तरीके से मैं इसमें मिला रही हूँ, देखो ये रिवर्स सैंड। और जैसा कि आपको बताया कैसे क्या लाती हूँ, मैं आपको बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, इसमें एक और ये भर के लाऊंगी रिवर्स सैंड। वो रिवर्स सैंड क्यों लानी है, जैसे इसका क्या ड्रेनेज बहुत अच्छे से बना रहा है, इसमें कंक्रीट निकली है वो हटा के रख रही हूँ मैं साइड में। बारिश जैसा मस्त मौसम, और आपको दिखाऊँ यार बारिश आ जाए ना तो बढ़िया। ये देखो मस्त मौसम हो रहा है, बारिश आ गई तो मेरे को पौधों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, अच्छा मौसम हो रहा है। मगर लक ख़राब है, मुझे पता है नहीं आएगी, और जब मैं पानी डाल दूँगी ना उसके बाद आएगी बारिश धमाधम, ऐसा ही होता है मेरे साथ में। देखो तो ये फूल कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा कलर लगता है इसका मुझे, ये देखो। तो भाई आंधी वांधी तो आना शुरू हो चुकी है, अब इसमें एक और डाल देते हैं। ये दो इसलिए डाल रही हूँ, इससे इसका वो अच्छा बना रहेगा, ड्रेनेज अच्छा बना रहेगा उसका। होल तो मैंने अच्छे से बड़ा कर ही दिया है, ये हो गया। अब देखो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ये जो आपको प्लांटर दिख रहा है ना, इसका मैं ना फेरी टेल गार्डन बनाना चाह रही हूँ, बहुत प्यारा सा। तो एक काम करूँगी आज, इसको मैं ले जाऊँगी नीचे और इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस करके लाएंगे। मस्त हवाएं चल रही है, देखो इस तरीके से ऐसे। और एक चीज़ इसमें मिलाना भूल गई, देखो हमारा स्टोन डस्ट, एक मुट्ठी है। इसके अलावा अगर आपके पास स्टोन डस्ट नहीं हो, स्टोन डस्ट मतलब इसका वो क्या बोलते हैं पत्थर वत्थर के, ये जो करते हैं ना जब मार्बल, एक तरह से मार्बल डस्ट है को पीसते हैं ना, उसके बाद ये बच जाता है, मतलब कारखाने और इन सब में जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलता है ना ये वहाँ का। तो मेरा भाई एक बार किशनगढ़ गया था, वहाँ से मेरे लिए एक बोरी भर के लिए आया था, बिकॉज मैं क्राफ्ट वगैरह सिखा रही हूँ बच्चों को, तो उसमें बहुत काम में आता है मेरे क्ले को बनाने में, तो उसमें भी काम में आता है। और ये कैल्शियम की कमी पौधों में भी इस तरीके से पूरी करता है। उसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया, अब इसको निकालते हैं भाई ऐसे। और ये इसके लिए छोटा प्लांटर है आई नो, मगर एक दो साल तो इसी में रहेगा, इसको भी मेरे को पता है। मैंने सोचा था अच्छे से पेंट वेंट करूँगी, मगर बस टाइम ही नहीं मिल पाता है, टाइम मिले ना तो क्या क्या कर लें, टाइम नहीं मिल पाता, कितना कितना काम कर लेंगे, इसलिए फिर छोड़ा। करेंगे किसी ना किसी दिन, मेरे को लगा था पहले इसमें पेंट वेंट करके फिर अच्छे से इसमें वो लगाऊंगी, अब पेंट तो मैं ऊपर से भी कर लूँगी जिस दिन टाइम मिलेगा ना उस दिन। जैसे बारिश बारिश भी हो गई ना तो भी मुझे पानी डालने की टेंशन नहीं रहती है, तो बारिश बारिश भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, दिन भर पानी पाने में दो ढाई घंटे तो पानी पानी ही ले लेता है हमारे। आज मिट्टी गीली हो रही है ना, इसकी ये दिक्कत हो रही है इसको निकालने में, मुझे मिट्टी सूखी होती तो नहीं निकालने में दिक्कत होती। और उसमें ना गार्डन सॉइल का रेशो कम ही रखना, इसको इतनी कुछ ज़्यादा खास जरूरत, सीधे से कट करती हूँ यार इसको। तो अब घड़ी में बज चुके हैं 7:05, इतनी जल्दी टाइम निकलता है, टाइम क्या निकलता है यार, मैं आती भी तो 6:30 हूँ छत पे, आती हूँ फिर आपके साथ थोड़ा सा गार्डन का वीडियो शेयर करती हूँ, फिर काम में लग जाती है। इसकी चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में ऐसे प्लांट ग्रो भी नहीं होते पता है, इसलिए इनका ना मैंने ये देखा था ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जब मैंने कटिंग लगाई और आपको भी दिखाई थी ना वो तो बहुत जल्दी ग्रो कर गई, ये क्यों नहीं की, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में ग्रो कर रहा था। अब इसको मैं इसमें लगाऊंगी ना, देखना है कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ आती है, ये देखो। और ये चिपक रहा है इससे, बाकी इसके रूट्स वगैरह तो अच्छी आई हुई हैं देखो। ओ बारिश भी आ गई यार, चलो ठीक है बारिश आ गई, अच्छा है मेरे लिए तो अच्छा है, मगर वीडियो बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं। मैं तो फटाफट से इसको रिपोर्ट कर रही हूँ यार, बारिश तेज आने लगी। अब इसमें मैं देखो इतनी चिकनी मिट्टी है देखो, ये इसमें मिक्स नहीं हो पा रही है, अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। बहुत ही गंदी मिट्टी है यार, इसको मैं यूज़ में नहीं ले रही हूँ मिट्टी को, इसको किसी में भर रही हूँ मैं भी। तो देखो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो रेन लिली की मिट्टी मेरी थी ना वो ले आई, उससे तो अच्छी है, वो तो इतनी चिकनी थी कि मेरे को उसको ना रखना ही पड़ा। अब उसको भी सही करेंगे कैसे ना कैसे, उसमें रिवर्स पहले वो सूख जाए, अभी तो क्या सबसे मैंने वो गीली थी ना इसलिए वो काम की नहीं थी, अब इसमें रेन लिली वाली मैंने मिट्टी। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये कैसे भी ग्रो कर जाता है, ये देखो थोड़ी सी मिट्टी बीच में आ रही है और कितनी चिकनी है देखो। इस तरीके से इसको चिकनी मिट्टी में ग्रो मत करो, ये देखो इसमें रूट्स वगैरह कितनी कम आई है, आपको दिख रहा है, ये देखो इतनी कम आई है, जबकि ये हाइब्रिड था।
अब मैं इस मिट्टी में लगा रही हूँ ना, आप इसकी ग्रोथ देखना कितनी अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से नर्सरी से अगर चंपा का प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है ना, उसको निकाल देना चाहिए बिल्कुल, वो ग्रोथ अच्छी नहीं करता है। और जबकि हाइब्रिड है, हाइब्रिड तो और सेंसिटिव होता है यार। इसमें आप है ना उसका रेशियो है ना 50% रखो, किसका 100% का। इसके अलावा आप कुछ भी मिलाओ, गार्डन सॉइल मिलाओ, कुछ भी मिलाओ। और ये इतना हार्डी है कि आप इसको कुछ भी नहीं दो ना फर्टिलाइज़र, ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा, कुछ ज़रूरत नहीं। कम से कम फर्टिलाइज़र दो, कम से कम पानी दो, ये अच्छे से सर्वाइव करता है। बस अब मैं काम करती हूँ। कहाँ गया मेरा डस्टबिन, वहाँ रख दिया। तो बस अब इस तरीके से इसको भरते हैं और यहाँ इसमें डाल देते हैं। मिट्टी ज़्यादा बन गई है, चलो अच्छी बात है, और कोई पौधे लगा पाऊँगी मैं कल। लगती है ज़्यादा, है नहीं ज़्यादा, देखना अभी ख़त्म हो जाएगी इसमें। कल मैं रेन लिली लगा रही थी ना, ये रेन लिली जो मैंने ग्रो किया ना, उसके साथ भी ऐसा हुआ। आपको तो वीडियो में मैंने दिखाया नहीं, मगर उसके बाद भी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी थी। अब देखो मैं इसको इस तरीके से रख दूँगी। अब मेरे हाथ में मोबाइल है ना, इसलिए इसको नीचे रखूँगी। बस ये एक हाथ से इसको पकड़ूँगी और दूसरा से इसमें मिट्टी भर दूँगी। तो देखो अभी मुझे लगा था पॉटिंग मिक्स बहुत ज़्यादा है, मगर सब ख़त्म हो जाएगा इसमें, देखना बिल्कुल एंड हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बन गया, मगर नहीं बना। अब वो जो आप सोच रहे हो कि आप तो बोल रहे हो कि इसको बड़े गमले में लगाना चाहिए और ये वो, और आपने कटिंग से उसमें कटिंग जब भी लगाओ ना उसको छोटे से गमले में लगाओ। अभी वो साल भर तक उसी में रहेगी, नेक्स्ट सीज़न में उसको रिपोर्ट करूँगी, पूरे साल भर तक वो उसी में रहेगी। अभी उसका सीज़न चला जाएगा, फिर वो डोरमेंसी में चले जाएंगे और वो ऐसे ही रखे रहेंगे, ठीक है। उसके कभी कभी समय में पानी दूंगी, विंटर में, बारिश में कभी कभी पानी देना है। बारिश में तो आप खैर रोक नहीं सकते हो उसको, मगर अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है ना तो आप इसको कहीं नीचे शेड वेड में रखो, तब चलेगी, नहीं तो उसके कटिंग्स के गल जाती है। और मेरे तो उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, देखो मिट्टी तो कम पड़ गई ज़्यादा की जगह। हाँ और क्या बोल रहे थे, ड्रेनेज अच्छा रहेगा ना तो आपका पौधा किसी भी हाल में गलेगा नहीं, और वो कटिंग्स छोटे वाले प्लांटर्स में ही बनी रहेंगी। इसमें थोड़ा सा कम पड़ गया यार, क्या करूँ, देखती हूँ और लाती हूँ। एक काम करती हूँ, ऊपर मैं इसके मेरा वो रिवर सेंट है वो डाल देती हूँ। हाँ तो मैं थोड़ा सा रिवर वो अपना गार्डन सॉइल, हाँ गार्डन सॉइल और रिवर सेंट का मिक्सचर बना के ले आई थी। वो क्या रिवर सेंट नीचे रह गई, गार्डन सॉइल ऊपर रह गया। अब इसको यहीं मिला लूँगी मैं इस तरीके से ऐसे। उसका ड्रेनेज तो मैंने अच्छा कर ही दिया था, बड़ा कर दिया था। और अब इसमें डालते हैं हम पानी। पानी डालने से पहले मैं इसको रख दूँगी, क्यों, क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा, सीमेंट का प्लांटर है। इसको कहाँ रखेंगे, कहाँ रखूँ, अभी इसको मैं धूप में शिफ्ट नहीं करने वाली, नहीं ये तो ख़राब। यहीं रख दूँ क्या यार, यहीं रख जाती हूँ उसको। तो बस देखो चंपा के प्लांट के बारे में आई थिंक सो कि मैंने सारी ही बातें आपके साथ में शेयर कर दी। अगर इस तरीके से आप प्लांट लगाओगे ना तो आपका, जैसे मैं बताती हूँ ना, मेरे जो ऐसे पौधे उग रहे हैं ना उसमें ढेरान होगी फ्लावरिंग, और बस विंटर में थोड़ा डोरमेंसी भी चलाया था। और जैसे जैसे ग्रोथ करता रहे ना, इसकी कटिंग करते रहो, ज़्यादा घना नहीं होगा। और इसे धीरे धीरे, पहले छोटे प्लांटर में, जैसे मैंने ग्रो कर रखा है छोटे प्लांटर में, ये देखो आपको दिखाया था ना मैंने अभी इस तरीके से, पहले छोटे में इसकी कटिंग्स ग्रो कीजिए, फिर थोड़ा सा और बड़ा जैसा मैंने अभी लगाया, उसके बाद इसे सबसे बड़े बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दो, जितने ज़्यादा बड़े आते हैं। ये इतने बड़े आते हैं ना, 20-20 इंच के, शायद 20 इंच ही बोलते हैं ना, उतने बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दो। उसके बाद एंड, उसके बाद आपको शिफ्ट नहीं करना है, बस आपको उसकी प्रूनिंग करते रहनी है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, ज़्यादा पानी दोगे तो भी ये गलता है, मगर अभी तो धूप आ रही है और मेरे प्लांटर में है ना इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए मैं इसको वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, ज़्यादा मतलब दिन में दो बार पानी दे रही हूँ और सूख जाता है बिल्कुल पानी। अगर पानी इसमें ठहरता, इसकी मिट्टी सौगी होती तो मुझे दिक्कत होती। तो देखो वीडियो में मैंने अभी क्या किया था आपको बताऊँ, उस कंटेनर से इसको तो पानी दे दिया था, देखो ये वापस से एकदम पानी देके वापस खिल उठे, क्योंकि मेरा फिर जी दुखता है यार कि मैंने उनको पानी नहीं दिया और ऐसे ही काम कर रही हूँ, बस इसमें पानी दिया, ये देखो वापस कितने अच्छे से हो गए। और उसमें भी दे दिया था मैंने पानी, आपको दिखाऊं, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो ये भी अभी होगा। बाकी कैसे लैगी हो रही थी, जो ये भी होगा ना, ये भी सही हो जाएंगे इस तरीके से। पानी देते ही 10-15 मिनट के अंदर ये वापस से घने हो जाते हैं, घने के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो बस ठीक है, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और किसी प्लांट के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट कर दिया करो, मैं हर के बारे में आपको बता दूंगी। अगर मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं हुई तो मैं उसके बारे में सर्च करके बता दूंगी। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।